पांच ऐसे फूड जिससे आप अपने बालों को यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकते हो। आजकल हर चार में से तीन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो है भाई, और मैं भी इस प्रॉब्लम से पिछले 5 सालों से झेल रहा हूँ भाई। अभी के टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बेटर बना लिया है। ये सब ना मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने खुद से सारी चीजें रिसर्च की है और अब सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो भाई इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ ऐसे 5 फूड बताने वाला हूँ जिससे आप अपने बालों को स्ट्रांग और हेयर रिग्रोथ में काफी मदद कर सकता है। नंबर 5 फूड पे है कैरेट। कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है, मींस अगर आपको बीटा कैरोटीन की डिफिशियंसी है, आपके हेयर ब्रेकेज हो रहे हैं, तो कैरेट एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। इसके अंदर बायोटीन भी पाया जाता है जो हमारे कैरेटीन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कैरेटीन एक प्रोटीन है कि हमारे हेयर को बनाता है। आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी भाई, कैरेट एक बहुत अच्छा डीएचटी ब्लॉकर फूड है। साइंस के अनुसार 70-80% हेयर फॉल डीएचटी की वजह से होता है, स्पेशली मेंस में। और भाई आप देख ही रहोगे इतने सारे सप्लीमेंट मिल रहे हैं बायोटीन प्लस डीएचटी ब्लॉकर फूड, मतलब अंधाधुन कंपनियां पैसा छाप रही है इसके ऊपर। और इन सबके अलावा कैरेट के अंदर विटामिन ई, के, सी एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए भाई अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो डेली आप कैरेट को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कर लो। नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 4 पे है करी लीफ। करी लीफ के अंदर विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो सेल को रीजनरेट करके हमारे स्कैल्प तक ब्लड पहुंचाने में बहुत अच्छा काम करता है। एक स्टडी के दौरान जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं ना, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है, क्योंकि वो लोग अपने डेली डाइट में ना करी लीफ का जरूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल में, सब्जी में, मतलब सोचो उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो सब ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में रोज डेली। इसलिए भाई अगर आपको भी हेयर फॉल की समस्या है ना, तो डेली करी लीफ का 3 से 4 पत्ते खाना चालू कर दो, कुछ ही मंथ में आपको विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और भाई करी लीफ के अंदर भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड होता है जो हमारे हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नंबर 3 पे आता है बटर मिल्क। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक पेड़ है, उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है कि पत्तियां उसके झड़ हैं? उसका कारण ये हो सकता है कि भाई उसके रूट्स में प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आपके प्रॉब्लम आपके रूट्स में है, मतलब आपके डाइजेशन में है, गट हेल्थ में है। तो मतलब अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे ना, आप उस टाइम आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो जो आप खाना खा रहे हो ना, बॉडी न्यूट्रिएंट को खींच के बॉडी तक पहुंचा ही नहीं रही है। इसलिए ये काम करेगा आपको ये बटर मिल्क। बटर मिल्क के अंदर प्रोबायोटिक एंड लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। भाई आप जो खाने में लोगे ना, उसके वाइटल न्यूट्रिएंट को खींच के हमारे बॉडी में पहुंचाएगा, बॉडी से स्कैल्प तक पहुंचाएगा। जब स्कैल्प तक पहुंचाएगा ना, तो हेयर भी अच्छे रहेंगे और हेयर फॉल भी नहीं होगा। इसलिए भाई गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी हेयर हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए ना, अपनी गट हेल्थ को सुधारो। इसलिए आप डेली अपनी डाइट में बटर मिल्क जरूर लो। नंबर 2 पे आता है आंवला। अगर आप डेली एक आंवला कंज्यूम करते हो ना, तो आपके हेयर हेल्थ और स्कैल्प हेल्थ में काफी सुधार आ जाता है। अगर आप देखोगे ना, आंवला का बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है, अपने इंडिया में ही नहीं, हर एक देशों में यूज होता है। एक क्लिनिकल स्टडी के दौरान देखा गया है कि आंवला एक बहुत अच्छा डीएचटी ब्लॉकर फूड है, मतलब टॉप के डीएचटी ब्लॉकर फूड में आंवला आता है। आंवला ऑयल के ऊपर भी बहुत रिसर्च की गई कि मिनोक्सिडिल 1% के अकॉर्डिंग इतना काम करता है, मतलब जितना मिनोक्सिडिल 1% काम करता है ना, उतना आंवला ऑयल काम करता है, मतलब अगर आप डेली यूज कर रहे हो तो। अगर इसलिए भाई अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो डेली आंवला एक कंज्यूम करना चालू कर दो, जो आपके डीएचटी लेवल को कम करेगा। डीएचटी लेवल कम होगा तो हेयर फॉल भी कम होगा। और नंबर 4 पे आता है आलमंड। आलमंड एक बहुत अच्छा सोर्स है बायोटीन का। भाई आलमंड ऑयल के भी क्लिनिकल स्टडी हुई है, जो कि मतलब ये समझो इसका भी, मतलब सोचो रीग्रोथ करता है मिनोक्सिडिल जितना, मतलब इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है। और भाई आलमंड के अंदर स्पेशल फैटी एसिड होता है, जैसे ओलिक और लिनोलिक एसिड, जो कि प्रूवन है, क्लिनिकली प्रूवन है डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए। और इसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है जो हमारे हेयर हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। तो इसलिए भाई आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, डेली 2 से 3 आलमंड यूज करना चालू कर दो। आशा है भाई मैंने ये जो 5 फूड बताया ना, आप डेली अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करोगे। आप देखोगे ना, कुछ ही मंथ में आपको मेजर डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपका हेयर रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बस डेली डाइट में इंक्लूड करके तो देखो। बाकी भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो ना, एक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना भाई। मैं अपने बालों को ग्रो कर रहा हूँ, आप खुद देख लो, मेरी हेयर रीग्रोथ देखो। अगर आपको लगता है भाई ने हेयर रीग्रोथ कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं लगता है तो मत करना।